शनिवार की रात अतीक और उसके भाई अशरफ के लिए काल बनकर आई। तीन सरफिरे अपराधियों ने पुलिस की सुरक्षा और मीडिया की मौजूदगी में दोनों को मौत के घाट उतार दिया। जाहिर है पुलिस की चूक थी, इसके कारणों पर विशेषज्ञ और जांच कमेटी की रिपोर्ट और रोशनी डालेगी और भविष्य में हम भी इस पर चर्चा करेंगे। आज बात करते हैं कि अतीक के अंत की शुरुआत किन प्रकरणों से हुई। शुरू करते हैं अतीक के उद्भव से। अतीक पहली बार 1989 में इलाहाबाद पश्चिम से निर्दलीय विधायक बना और उसके बाद फिर 1991 और 1993 में भी विधायक बना। इस तरह वह कुल तीन बार निर्दलीय विधायक बना, लेकिन इस दौरान समाजवादी पार्टी से उसकी नज़दीकियां बढ़ने लगीं। उसके कुछ ही साल बाद, दो साल बाद 1995 में बहुचर्चित गेस्ट हाउस कांड हुआ, इसमें भी अतीक का नाम आया। गेस्ट हाउस कांड ने मायावती को अतीक का जाति दुश्मन बना दिया और यह किसी से छिपा नहीं है कि इसके बाद मायावती ने अतीक के लिए भविष्य में कितनी मुश्किलें खड़ी की। पर अतीक को उस समय इसका अंदाजा नहीं रहा होगा कि उसकी इसे भविष्य में क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। बहरहाल उस दौर में वह मुलायम सिंह की नज़दीकियों की वजह से खुश था और इनाम में उसे 1996 में सपा का टिकट भी मिला। चौथी बार विधायक बनने के बाद अतीक अब संसद में बैठने का सपना देखने लगा। साल 1999 में अपना दल के टिकट पर प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद 2002 में अतीक अपनी पुरानी इलाहाबाद पश्चिम की विधानसभा सीट से पांचवीं बार विधायक बना, पर वह संसद जाने के लिए बेचैन था। 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद ने सपा के टिकट पर फूलपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत भी गया। इससे इलाहाबाद पश्चिम की विधानसभा सीट खाली हो गई, जिससे वह अपने छोटे भाई अशरफ को चुनाव लड़ाने की तैयारी करने लगा। अशरफ के खिलाफ बसपा ने राजू पाल को टिकट दे दिया और वह 4000 वोटों से जीत भी गया। ये हार अतीक को बर्दाश्त नहीं हुई और इसके बाद राजू पाल पर हमले होने लगे। दो बार के हमलों में राजू पाल बच गए, लेकिन तीसरी बार जब 25 जनवरी 2005 को उनके सीने में 19 गोलियां उतार दी गईं, तो वो मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसमें भी अतीक का नाम आया और ये उसकी जिंदगी का दूसरा कांड था जिसके उसे भविष्य में भारी कीमत चुकानी पड़ी। दो साल बाद 2007 में मायावती की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनी। इधर राजू पाल की हत्या और मदरसा कांड की वजह से सपा ने भी अतीक को पार्टी से निकालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। यही अतीक के जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। राजू पाल की पत्नी पूजा पाल उसके भाई अशरफ को चुनाव में हरा चुकी थी और मायावती ने अतीक को मोस्ट वांटेड घोषित करके ऑपरेशन अतीक शुरू कर दिया। उसके सिर पर 20,000 का इनाम रख दिया गया, उसकी करोड़ों की संपत्ति सीज कर दी गई, बिल्डिंगें गिरा दी गई। इसके बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार भी कर लिया गया। अतीक की काली करतूतों का जिक्र मदरसा कांड के बिना अधूरा है। इलाहाबाद के महमूदबाद की मस्जिद में शहर और आसपास के गरीब घरों की लड़कियां पढ़ाई करती थी। मदरसे में लड़कियों का हॉस्टल भी था। 17 जनवरी 2007 को देर रात हॉस्टल के दरवाजे पर कुछ लोगों ने दस्तक दी। अंदर से पूछा गया तो धमकी भरे अंदाज में तुरंत दरवाजा खोलने को कहा। दरवाजा खोला गया तो सामने तीन बंदूकधारी खड़े थे। तीनों अंदर घुसे और एक हॉल में सो रही लड़कियों के पास पहुंच गए। दरिंदों ने उनमें से दो नाबालिग लड़कियों को उठा लिया और अपने साथ लेकर चले गए। जब वो बाहर निकले तो उनके साथ दो और लोग भी शामिल हो गए। इस तरह कुल पांच लोगों ने आगे सुनसान जगह पर नदी के किनारे दोनों लड़कियों के साथ कई बार दुष्कर्म किया और सुबह होने से पहले लहूलुहान हालत में दोनों लड़कियों को मदरसे के दरवाजे पर फेंक कर भाग निकले। अगले दिन इस शर्मनाक कांड पर लीपापोती शुरू हो गई और पुलिस ने सिर्फ छेड़खानी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। आखिर ऐसा हो भी क्यों ना। बताया जाता है कि असली आरोपी अतीक के भाई अशरफ के करीबी लोग थे, लेकिन लोगों का गुस्सा चरम पर था और जगह जगह धरना प्रदर्शन होने लगा। सरकार बैकफुट पर आ गई। उसके बाद रेप की संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ और आनन फानन में पुलिस ने इस कांड का खुलासा करने का दावा किया और पांच लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी। इन पांच लोगों में कुछ रिक्शा चलाने वाले थे और कुछ दर्जी थे। पुलिस के खुलासे पर हर तरफ सवाल उठने लगे, हालांकि बाद में सभी छूट गए। इन पांचों लोगों ने बाहर आकर बताया कि पुलिस ने दबाव डालकर उनसे कांड में शामिल होने का बयान लिया था। अतीत के अंत में मदरसा कांड की बड़ी अहम भूमिका रही। पुलिस सूत्रों ने बताया था कि असली आरोपियों को बचाने के लिए अशरफ ने अपने रसूख का इस्तेमाल किया था। शहर का यह एक ऐसा कांड था जिसके बाद अतीक या उसके परिवार के किसी शख्स ने चुनाव में कोई सफलता हासिल नहीं की। 2007 के विधानसभा चुनाव में राजू पाल की विधवा पूजा पाल ने अशरफ को और 2012 के चुनाव में फिर पूजा पाल ने अतीक को भी चुनाव हराया। वर्ष 2012 में राज्य में एक बार फिर सपा की सरकार बनती है। अतीक को लगने लगता है कि उसे राजनीतिक संजीवनी मिल सकती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में उसे सुल्तानपुर का टिकट मिलता है सपा से, लेकिन पार्टी में ही विरोध हो गया तो उसे श्रावस्ती शिफ्ट कर दिया गया।
यहां भाजपा के ददन मिश्रा ने उसे हरा दिया, तो अतीक की राजनीतिक संजीवनी की उम्मीद बेकार गई। इसके बाद मुलायम सिंह के परिवार में ही आपसी खींचतान शुरू हो गई। मुलायम के कुनबे की कलह ने भी अतीक की मुसीबतें बढ़ाई। 2017 के विधानसभा चुनाव से एक साल पहले ही सपा ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी और उसमें अतीक का नाम कानपुर कैंट से उम्मीदवार के रूप में था। 22 दिसंबर 2016 को अतीक 500 गाड़ियों के काफिले के साथ कानपुर पहुंचा। आलम यह था कि जिधर से काफिला गुजरता जाम लग जाता, लेकिन तब तक सपा में निजाम बदल चुका था। अखिलेश यादव सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके थे और उन्होंने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी में अतीक के लिए कोई जगह नहीं है। अतीक पार्टी से निकाल दिए गए। चुनाव से एक महीने पहले फरवरी 2017 में अतीक को गिरफ्तार कर लिया गया और सारे मामले में मिली जमानत रद्द हो गई। तब से अतीक मरने के समय तक यानी शनिवार रात तक जेल में ही रहे। अतीक के ताबूत में आखिरी कील योगी सरकार के रूप में आई। एक तरफ मौजूदा सरकार अतीक पर शिकंजा कसती जा रही थी, दूसरी तरफ इस साल 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के गवाह रहे उमेश पाल की इलाहाबाद में हत्या हो गई। इस हत्याकांड में भी अतीक के कुनबे का नाम आया। इससे सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ इतना तमतमा गए कि उन्होंने सदन में अगले दिन बयान दिया कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। और हुआ भी कुछ यूं ही। उमेश पाल हत्याकांड के 50 दिनों के भीतर अतीक के परिवार का नामो निशान मिट गया। अंतर कथा के इस एपिसोड में हमने यह बताने की कोशिश की कि किन कारणों से अतीक अहमद का पराभव हुआ। अंतर कथा के अगले एपिसोड में हम नए मुद्दे की पड़ताल करेंगे। तब तक आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान का यूट्यूब चैनल।